हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर इस वीडियो में सितंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली कार्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी सेलिंग्स के बीच पे कोई एक कार खरीदने की सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इन दिनों किस कार्स को लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और उसकी क्या प्राइस है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ इसके पिछले महीने यानी कि अगस्त 2022 में ये सभी कार्स किस पोजिशन पर थी, अब किस पोजिशन पर आ गई हैं, इनकी बिक्री में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी आई है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th नंबर से स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पे हुंडई की आने वाली वेन्यू है, जो कि पिछले महीने 11th नंबर पे थी, इस महीने 10th पोजिशन पे आ गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 11,033 यानी कि 11,033 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 1.84% की इसकी बिक्री में कमी भी देखी गई है। तो वही हुंडई वेन्यू का जो एक्स रूम प्राइस है 7.53 लाख यानी कि 7,53,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में जो 9th नंबर पे मारुति सुजुकी कंपनी की स्विफ्ट है, जो कि पिछले महीने 10वें नंबर पे थी, इस महीने थोड़े से आगे आ गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 11,988 यानी कि 11,988 यूनिट खास की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 6.32% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 10.44 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में 8th नंबर पे टाटा कंपनी की आने वाली पंच है, पिछले महीने 7th पोजिशन पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे चली गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 12,251 यानी कि 12,251 यूनिट खास की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 2.04% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इसका जो एक्स रूम प्राइस है 5.93 लाख यानी कि 5,93,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में 7वें नंबर पे मारुति सुजुकी कंपनी की इको है, जो कि आपको एक वैन देखने को मिल जाती है, ये पिछले महीने 8th पोजिशन पर थी, इस महीने थोड़े से आगे आ गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 12,697 यानी कि 12,697 यूनिट इको की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 5.81% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 4.63 लाख यानी कि 4,63,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में 6th नंबर पे हुंडई कंपनी की आने वाली क्रेटा है, जो कि पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी, इसके सितंबर 2022 में टोटल 12,866 यानी कि 12,866 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 2.29% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 10.44 लाख यानी कि 10,44,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में 5th नंबर पे टाटा कंपनी की नेक्सॉन है, पिछले महीने ये 4th पोजीशन पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे चली गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 14,580 कार्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में 3.75% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है। तो इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 7.60 लाख यानी कि 7,60,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पे मारुति सुजुकी कंपनी की विटारा ब्रेजा है, पिछले महीने 3rd पोजीशन पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे चली गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 15,455 यानी कि 15,445 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 1.65% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसकी जो एक्सम प्राइस है 7.99 लाख यानी कि 7,99,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में 3rd नंबर पे जो है ये भी एक मारुति सुजुकी कंपनी की बलेनो है, जो कि ये पिछले महीने पहले नंबर पे थी, इस महीने ये 3rd पोजीशन पे आ गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 19,369 यानी कि 19,369 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 5.16% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 6.49 लाख रुपीज़ यानी कि 6,49,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पे है ये पिछले महीने भी 2nd पोजीशन पे थी, ये भी मारुति सुजुकी कंपनी की वैगनॉर है, जिसके सितंबर 2022 में टोटल 20,078 यानी कि 20,078 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 9.13% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। और इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 5.44 लाख यानी कि 5,44,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है ये अगस्त महीने में 5वें नंबर पे थी, और इसके पहले महीने यानी कि जुलाई महीने में ये 14th पोजीशन पे थी, लेकिन इस महीने इसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है, यानी कि सितंबर में इसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है। ये भी मारुति सुजुकी कंपनी की अल्टो है, और ये पहले पोजीशन पे इस महीने पे आई है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले कंपनी ने अल्टो K10 को भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री थोड़ी सी बढ़ गई है। इसके सितंबर 2022 में टोटल 24,844 यानी कि 24,844 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है। तो इसके बिक्री में पिछले महीने के मुकाबले में 72.67% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसकी जो एक्सम प्राइस है 3.39 लाख रुपीज़
यानी कि 3,39,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो ये 10 वो कार्स हैं जो कि सितंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेची गई हैं या फिर कह सकते हैं खरीदी गई हैं। इनमें से जो ऑल्टो है उसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले महीने के मुकाबले में, 72% से ज़्यादा इसकी बिक्री इस महीने बढ़ गई है। तो इस लिस्ट में से दो ऐसे कार्स हैं जिसकी बिक्री में पिछले महीने के मुकाबले में कमी देखी गई है, वो हुंडई कंपनी की दोनों कार हैं जो कि हुंडई क्रेटा और हुंडई वेन्यू है। इनके बिक्री में थोड़ी सी कमी देखी गई है, फिर भी ये 10th पोजीशन पे शामिल हैं, यानी कि 10th लिस्ट में शामिल हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये जानकारी देनी थी कि वो 10 कार्स कौन से हैं जो कि इन दिनों सबसे ज़्यादा बेची जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।